गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इशिका और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वो भी अपने गांव में, बिकॉज आई लव ब्लॉगिंग। सो अभी आई हूँ अपने खेत पर, तो अभी हम लोग खेत देखने चलते हैं और आप लोग को भी मैं लेके जा रही हूँ। और मेरे साथ मेरा भाई पवन आया है, जो मुझे बताएगा कि कौन सा खेत मेरा है। और क्योंकि बहुत दिन के बाद आई हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से खेत हैं मेरे, तो अभी चलिए जाके देखते हैं। सो यहाँ से जो आप खेत देख रहे हो वहाँ तक, वो खेत मेरे हैं एंड बट अभी कुछ इसमें लगा हुआ नहीं है क्योंकि अभी धान का सीज़न है, बट अभी बारिश हुई नहीं थी सीज़न के टाइम पे, तो अभी धान लगा हुआ नहीं है, तो आपको खेत खाली दिखेगा मैक्सिमम। पवन ने जैसे बताया कि उधर मेरे खेत थे और यहाँ भी खेत हैं मेरे, अभी मैं खेत पहचान रही हूँ क्योंकि बहुत दिन, और पहले भी मैं नहीं आती थी क्योंकि हमारे घर से ये जहाँ पे खेत है बहुत दूर है, तो मैं नहीं आती थी। तो आज मैं देख रही हूँ ये सारे खेत, तो ये भी खेत मेरे हैं, बट अभी सब खेत खाली है, कुछ भी अभी आपको लगा हुआ नहीं दिखेगा। और आगे और खेत के जस्ट पीछे आम के पेड़ लगे हुए दिखेंगे आपको, मैं बोलूँगी पवन से कि वो दिखाए पीछे। तो वहाँ पे अभी आम के पेड़ लगे हुए हैं, वो जैसे मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आपको दिखाया था, वहाँ पे भी मेरा एक बगीचा था, तो यहाँ भी अभी एक बगीचे जहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए जस्ट खेत के बगल में है। तो अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा और। बगीचे के अंदर लेके चलती हूँ, तो ये रहा जो बगीचा जहाँ पे बहुत सारे आपको आम के पेड़ लगे दिखेंगे। तो बोलूंगी मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा आपको घुमा के दिखाए सारे बगीचे का। तो अभी हम अपने नेक्स्ट बगीचे में आ चुके हैं, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम आम के पेड़ दिखेंगे, वो भी जो भी बड़े बड़े हैं, जो भी समर का टाइम होता है मई जून, तो उस टाइम पे बहुत सारे यहाँ पे आम आते हैं। और जो पहले वाले मैंने बगीचा दिखाया उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आम आते हैं। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा बगीचा है और कितने सारे यहाँ पे आम के पेड़ हैं। तो और मैं पहली बार इस बगीचे में आई हूँ आज देखने के लिए। अभी मैं अपने लास्ट खेत में आई हूँ जहाँ पे लहर लगा हुआ है, तो इस खेत में लहर लगा हुआ है जो कि एक दाल होता है, तो आप देख सकते हैं इस पूरे खेत में लहर लगा हुआ है। और मैक्सिमम खेत तो जैसा कि मैंने बताया अभी बहुत खाली दिखेंगे आपको, क्योंकि उसमें अभी बारिश अभी हो रहा है, तो अभी तो कोई सीज़न नहीं है, तो इसके वजह से खाली दिखेंगे। अभी आप लोगों ने सारे खेत देखे मेरे, और जो भी कोई कुछ खेत पे लगा हुआ था वो सब मैंने दिखाया, क्योंकि जो भी खेत होते हैं वो भी गांव का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, वहीं से हमें खाना पीना सारा कुछ मिलता है, और किसानों के लिए तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आई हूँ अपने खेत आपको सबको दिखाने के लिए। तो अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मेरे आवाज़ से आपको लग रहा होगा, तो सॉरी इसके लिए। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और रात में काफ़ी बारिश हुई थी, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, जगह जगह पानी लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से खेत से निकल रहे हैं, जा रहे हैं ट्राइबल मेला देखने जो मेरे गांव में लगता है। ऐसे आपको पता ही है कि अभी मैं गांव में हूँ, तो ये मेला विश्वकर्मा पूजा के दिन से ही लगता है और 3 दिन तक रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं, बट लेट डिसाइडेड हुआ कि जाना है, तो अभी बहुत काम हो गया है, बट फिर भी हम जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे कैसा मेला। मैं कभी गई नहीं हूँ और ना ही देखी हूँ, तो अभी जाके देखते कैसा मेला लगा हुआ है। मेरे साथ मेरी बहन
पन्नू है, थोड़ा कुछ भोजपुरी में बोल के दिखाओ मेरे व्यूअर्स को। तो का हलवा ठीक बा। तो ये तन्नू है और मेरे साथ मेरी आई है। तो दोस्तों आज हमारा लास्ट डे है गांव में, कल हम जा रहे हैं। तो उससे पहले हम यहां पे आए हैं पहाड़ पे अपने घूमने के लिए। सो अभी इसके लिए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा और थोड़ा काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर और आपको भी दिखाते हैं कैसे ये रास्ता है पहाड़ का। अभी तक हम लोग ऊपर नहीं आए, उसके लिए हमें थोड़ा सा और चढ़ना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे पहले बहुत जंगल हुआ करते थे, बट अभी थोड़ा जंगल कम है। और ये सब जो देख रहे हैं पौधे, ये क्या चीज का पौधा लगा हुआ है यहाँ पे? डीजल। तो यहाँ पे ये डीजल के पौधे लगे हुए हैं। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा तब जाके हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है, तो ऐसा आपको मतलब व्यू आ रहा होगा, थोड़ा सा डार्कनेस होगी क्योंकि थोड़ा आज वेदर थोड़ा नहीं बहुत ही क्लाउडी है। और कुछ दिनों से तो अभी बारिश ही हो रही थी, तो आज तो बारिश नहीं हुई है बट क्लाउड है। तो आपको पीछे से तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा नीचे का व्यू, और मैं अभी दिखाती हूँ आपको यहाँ से नीचे का व्यू। अभी हम ऊपर आ चुके हैं गाइस, बस थोड़े से दूर है अपने डेस्टिनेशन से, बट लगभग आ ही चुके हैं। एंड थोड़ा सा ही पहाड़ चढ़ने में हमारी हालत ख़राब हो गई, सांस फूलने लगी और पूरे पसीने पसीने भी हम हो गए। तो अभी बस आ ही चुके हैं, अभी हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देवी माँ का मंदिर है, खरेरी माँ का मंदिर, जो कि यहाँ पे बहुत जब से मतलब ये पहाड़ है तब से यहाँ पे वो मंदिर है। तो पहले हम वो मंदिर का दर्शन करेंगे, फिर आपको मैं पूरे पहाड़ का व्यू दिखाऊंगी। तो चलिए अभी माता के दर्शन करते हैं। आप पीछे मेरे मंदिर देख रहे हो, और जो मैंने अभी जाके अंदर दर्शन किया वो खरेरी माँ का मंदिर है। तो ये पूरा व्यू जो मैं अभी दिखा रही हूँ, पहाड़ जो है हमारे गांव का, और ये जो मंदिर है बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और लोग दूर के मतलब आसपास के गांव से और दूर से भी यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। और हर साल 4 नवंबर को ना, हाँ 4 नवंबर को यहाँ पे माता की पूजा की जाती है और खीर भोजन भी होता है। और ऐसे तो 1 जनवरी को भी यहाँ पे पूजा की जाती है, और पूजा तो यहाँ पे डेली होता है, यहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं वो डेली पूजा करते हैं, बट 4 नवंबर को जो होता है वो स्पेशल पूजा होती है, उस दिन यहाँ पे खीर भोजन
नहीं होता है। दूर से यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो मैंने अभी मंदिर दिखाया है आपको, अभी हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे एक मैरिज हॉल भी बना हुआ है, जो गांव के लोग हैं यहाँ पे जो यार नहीं कर सकते अपनी सक्षम है, या फिर कोई भी यहाँ पे आके शादी मतलब ये करा सकता है अपने बेटे और बेटी की। और उसके लिए कुछ मतलब कि नॉमिनल फी देना पड़ता है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है कि कुछ पे करना होता है, बहुत ही नॉमिनल सा फी करना देना पड़ता है। फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और ये तोप दिखाया मैंने मैरिज हॉल, और अभी मैं पहाड़ से नीचे का व्यू दिखाऊंगी आपको। अभी हम लोग जिधर से आए वो हम लोग बाय फुट आए, और इधर से गाड़ी वगैरह, इधर से रोड भी बना हुआ है, आप गाड़ी से भी आ सकते हो यहाँ पे। तो सारी फैसिलिटीज़ है या ऐसा वैसा यहाँ पे पहाड़ नहीं है, बट ये थोड़ा सा विख्यात मतलब देवी माँ का मंदिर है, जो खरेड़ी माँ का मंदिर है, उसी के वजह से ये पहाड़ फेमस है। इधर से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ सारा पहाड़ का, बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं पहाड़ पे, बट वेदर थोड़ा क्लाउडी है तो इसलिए आपको क्लियर थोड़ा दिखेगा नहीं। तो अभी आप इतना से ही काम चला लो। तो अभी मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे पहाड़ पे दिखाया और बतलाया, और अभी वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको दिख ही रहा होगा, और इवनिंग का टाइम भी हो चुका है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, सो अभी नीचे चलते हैं।